26 तारीख गणतंत्र दिवस के मौके पर विकलांगों के लिए धर्मशाला से पदयात्रा की शुरुआत की गई और यह यात्रा शिमला के सचिवालय पहुंचकर समाप्त की जाएगी। इस यात्रा का जिला हमीरपुर मुख्यालय पहुंचने पर हमीरपुर के दिव्यांगों ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ पदयात्रा रविवार शाम 8 बजे भोटा रेस्ट हाउस के समीप पहुंचने पर 100% विकलांग राजन कुमार ने उनका रेस्ट हाउस में भव्य स्वागत किया और सभी दिव्यांग भाइयों को खाना व चाय उपलब्ध करवाया और इन दिव्यांगों का रात्रि ठहराव रेस्ट हाउस में ही करवाया गया। दिव्यांग कल्याण संघ के अध्यक्ष तकदीर सिंह ने सभी का धन्यवाद किया और उनका कहना था कि सुबह 7 बजे रेस्ट हाउस भोटा से पदयात्रा आरंभ करेंगे और इस पदयात्रा में दिव्यांग भाइयों के पांव में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन सभी दिव्यांग भाइयों ने संकल्प लिया है कि हम पदयात्रा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश के दिव्यांग समाज की कुछ मांगे हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी कहेंगे। व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के संचालक राजन कुमार ने कहा कि आगे ये यात्रा घुमारवी बिलासपुर होते हुए शिमला पहुंचेगी, तो आगामी क्षेत्र के आमजन व दिव्यांग जनों से अनुरोध है कि इस यात्रा का सहयोग करें। सर्वप्रथम मैडम जी आपका धन्यवाद। हमारी जो पथ यात्रा शुरू हुई है वो 26 तारीख 1 बजे धर्मशाला से शुरू हुई है। तो पैदल पथ यात्रा करने का मतलब ये है कि हम पैदल पथ यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री ने पदभार संभाला था, लेकिन पदभार संभालने से अपने चेयर से बैठने से पहले उन्होंने हमारी वृद्ध माताओं आश्रम में और हमारे जो विकलांग बच्चे हैं और जो हमारे नाथ बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने स्टेप उठाया और साथ में एक एक लाख रुपये का सभी विधायकों का अनुदान दिया। तो हमें कुछ विकलांग कल्याण सभी और विकलांगों के लिए एक उम्मीद सी जाग गई है कि अब ये हमारे जो सीएम बने हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन विकलांगों के पास देने के लिए उनके पास कोई गिफ्ट नहीं है। तो विकलांगों ने भी पूरे हिमाचल के सीएम को गिफ्ट देने के लिए पैदल पथ यात्रा निकाली, उनको मुबारकबाद देने के लिए। साथ में हम 5 मुद्दों के ऊपर जो है वो उनसे मिलेंगे जो हमारे अति आवश्यक है। आज हम भूमपुर से चले थे और भूमता तक पहुंचे, लेकिन भूमपुर से चलते हमें राजनी भाई जी का फोन आया कि भाई आप कहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता था, और दिव्यांग होने के नाते इन्होंने अपना एक स्टेप और सराहनीय कदम उठाया और एक अपना परिचय दिया कि दिव्यांग दिव्यांग की सुनता है। तो इन्होंने आज हमें जो सहयोग दिया है, इस वक्त रात के 9 बजने को आए हैं और इन्होंने हमें खाने का जो प्रबंध किया हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए हमें, और साथ में हमें जो चाय पानी पिलाया है और भी हम कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी सहयोग बनता है, हम दिव्यांग रेस्ट हाउस में भी इन्होंने बात की है, हमारी गाड़ी अंदर लगाई है, तो हम रहने की व्यवस्था की। तो हम सभी इनका थैंक्स और दिल से धन्यवाद करते हैं कि दिव्यांग सभी को आगे आना चाहिए और दिव्यांगों की बात को ऊपर रखना चाहिए। ये आप सबकी लड़ाई है, अकेले राज में तकदीर की लड़ाई है। जैसे कि मेरे को पता लगा हम मीरपुर में, जैसे ही हमारे एक संस्था है NDA नेचुरल डिसेबल एसोसिएशन, तो उनके जो पदाधिकारी थे उनका मैं भी एक सदस्य हूँ। तो जैसे ही वहाँ पर हमीरपुर पहुंचे तो उन्होंने भी उनका हमारे जो संस्था है उन्होंने हमीरपुर में इनका स्वागत किया, इनके लिए कुछ सामग्री दी कि चलो रास्ते में कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, और उनका साथ भी दिया आगे तक इनके साथ में चले भी। तो वैसे ही उनसे मेरे को पता लगा और मैंने फिर इनको फ़ोन करके बताया कि भोटा में जो भी होगा वो हम आपका यहाँ पर स्वागत करेंगे। और एक एक अच्छी सोच है हमारी, जो तकदीर जी है एक अच्छी सोच लेके चले हुए। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसे लोगों को अगर आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए जो दिव्यांग और भी है, और इसे सीख भी लेनी चाहिए कि कैसे हमने आगे जाना है और कैसे हमने ये कार्य करना है। तो हमारी जो नई सरकार बनी है जिला हमीरपुर से है, मैं भी जिला हमीरपुर से हूँ, तो मैं सुखू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने एक जमीनी से टच है वो, और ये सोच विचार इनका ठीक है, जो कि इनकी विचारधारा है वो जैसे कि अनाथ लोगों के लिए है, जैसे कि उन्होंने वृद्ध आश्रम में उन्होंने बताया अच्छा एक उनके लिए रहने के लिए कमरे होंगे, सब कुछ होगा। तो मेरी भी हमारी भी ये डिमांड है कि हम लोग दिव्यांग है, जैसे कि रेस्ट हाउस है देखिए अभी चले हुए हैं, ठीक है, इनका भी एक दिव्यांग भवन होना चाहिए, दिव्यांग रेस्ट हाउस में एक या दो कमरे इनको दियो। फिलहाल अगर सरकार बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, समय लगता है, तो फिलहाल के लिए जितने भी रेस्ट हाउस है वहां पे 1 से 2 कमरे तो जरूर होने चाहिए, ताकि जहां से अगर मान लो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो मान लो हमीरपुर में, तो हमीरपुर रह सकता है, एक रात तो निकाल सकता है कहीं पर भी, अगर उनको रहने का ठिकाना होगा तब कहाँ रहेंगे बेचारे। आज इस टाइम भी मुझे यहाँ इनसे बात हुई तो रेस्ट हाउस यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने रेस्ट हाउस के यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे बात की कि आप थोड़ा सा इनके लिए आप सहयोग करें और एक कमरा इनके लिए दिया जाए ताकि असुविधा ना करने पड़े, क्योंकि
दिव्यांग दिव्यांग ही होता है, उसकी समस्या वही समझ सकता है, ना कि नॉर्मल बंदे समझ सकते हैं। तो मेरा सुखी जी एक हमारे जो माननीय सम्माननीय जो हमारे सुखू जी है उनसे हमारा एक निवेदन है कि हमारी मांगों को उच्च स्तर पर रखे और इसे पूरा की जाए, क्योंकि 1700 रुपये पेंशन पिछली सरकार दे रही थी, अब आप खुद ही जानते हैं कि 1700 रुपये में क्या होता है। तो दिव्यांगों कम से कम 5000 रुपया पेंशन होनी ही चाहिए, ये है मेरा एक निवेदन है। और बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद जो यहाँ पर आए। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।